मैं बहुत होशियार हूँ। आपसे बड़ा होशियार कोई नहीं है। क्या हो रहा भाई? मैं बहुत होशियार हूँ, आजकल तो मैं सबका बेवकूफ बना देता हूँ। आज तो मैंने पानी का बेवकूफ बना दिया है। पानी का बेवकूफ किस तरह बना दिया भाई? आज सुबह मैंने नहाने के लिए पानी गर्म करा और फिर मैं नहाया ही नहीं। हाँ तू ही होशियार है। मैं था यार, अब 3 बजे सूरज छुप जा यार। बे यार, सरकार ने सारे कानून बदल देना, हो सको सूरज छिपने का भी कानून बदल दिया हो। चंदू बेटा उरा ले, बेटा ये मोमबत्ती ले और जला दे इसे। 2 घंटे बाद यार कमरों में अंधेरा हो रहा, कुछ जलवा दे भाई, चलना करवा दे। चंदू तुझे इतनी देर पहले मोमबत्ती दी थी, अब तक जलाई नहीं का? जब तुमने मोमबत्ती दी थी ना, मैंने तो जब ही जाकर चूल्हे में गेर दी थी, अब लो तो जल कर आग भी होगी। सौर्य अब अपने आप में आग लगा ले, जब कर ले चंदन। एक बार ना जब मेरे दादाजी जंगल में गए ना, तो उनको सामने भाई जी शेर आगा, शेर। और फिर तो भाई, फिर क्या नू तो बता, फिर क्या शेर उन्हें खागा? चूतिया का क्या बताओ जा। यार अब तो लोग बहुत कम जील लगे भाई, ज्यादा से ज्यादा 50 साल। यार कोई ऐसी तरकीब है का जो मैं चोखा सा जी जाऊं? हाँ तरकीब है, बता दे यार, अगर कुछ पता हो तो। फिर तू शादी कर ले। शादी करने से भाई उम्र बढ़ जाएगी भाई मेरी। शादी करने से उम्र तो बढ़ने की नहीं, पर तेरी लंबी उम्र की सोच खत्म हो जाएगी। जब भी देगा सवरा उल्टी ही सलाह देगा। आयो भाई ले लो पैरासूट, पैरासूट ले लो भाई, आ जाओ भाई पैरासूट ले लो। अरे दो कस्टमर भाई, पैरासूट बेच रहे कहीं एयरपोर्ट है? हाँ भाई, आप लोग यहाँ एयरपोर्ट से दूर पैरासूट कैसे बेच रहे भाई? है क्या बोल माल हो भाई? 4 किलोमीटर दूर जाके एयरपोर्ट नहीं आएगा, इस वजह से बेच रहे। अरे भाई तुम्हें नहीं पता का एयरपोर्ट पर पैरासूट नहीं मिलती, इसी वजह से हम यही बेच रहे पैरासूट। ले लो भाई, तारे काम आने वाली चीज है। यार कह तो सही रहा है, 3 दिन बाद हमें फिर बॉम्बे भी जाना, तो प्लेन से तो जाएंगे ही, पैरासूट तो चाहिए ही। लेकिन चेक किस तरह करोगे हम? भाई साहब आपको पैरासूट चेक करवा कर देंगे बिल्कुल। भाई किस तरह देगा चेक करवा को? देख वो भट्टे की चिमनी चमक रही ना, बिल्कुल उस पर ऊपर चढ़ गए और कूद जाइयो। अगर ना खुला पैरासूट? अगर पैरासूट ना खुला ना तो थारे पैसे वापस। अगर पैरासूट ना खुला तो हम पैसे कैसे वापस ले लेंगे? बेईमान समझ रहेगा, देख उनका पैरासूट नहीं खुला था, उनके पैसे उनके ऊपर रख रखे। ले बेटे ले जा माल, ये 2 कुकड़ी ना 70 रुपए की। कहाँ लूट रहा है लोगों को? ले पकड़ अपनी कुकड़ी। क्यों गुस्सा हो रहा है भाई? तुझे तो मैंने छाट छाट कर दी थी कुकड़ी, सारी की सारी बढ़िया थी। आधी कुकड़ी पैर को देख ले, एक भी उबली हुई नहीं निकली। पकड़ ले ये कुकड़ी जो बाकी बच रही। यार कहीं पेट्टे पे तो तोड़ कर दी हुई कुकड़ी, कहीं उबली हुई लिखड़क रहा है भाई। तुझे नहीं पता या तो पैसे वापसी दे या उबाल को दे। भाई तू अपने पैसे ले ले वापसी, मैं समझ गया तू ठप है। ला दे, बेचनी जरूरी। बैठे 10 रुपए पाए। डिंग डिंग डिंग। अच्छा जी, हाँ तो 5 की जलेबी और 5 की रसमलाई और बस पता नहीं क्या क्या खाऊंगा। तेरे तो मजे आ गए आज तो। ओ भाई मेरे थे वो 10 का नोट। पागल हो गया? 10 का नोट नहीं, 5-5 के 2 सिक्के थे लड़के। ओ भाई वो 10 का नोट ही था, और जब नीचे गिरा होगा ना, टूट गया होगा, उसके 2 सिक्के बन गए। तुझे दिखना था अंधा हो रहा, इंगो तिंगो देखता रहा। तू इतना शरीफ बनना, तू भी तो इंगो तिंगो देख रहा था, टायर का सांप बना रखा। अगर अपने भाई को बुला लेना, तुझे दद्दे मारेगा, इतना खोखा रहा है वो। अगर वो 100 मारोगा एक तो मैं भी मारी दूंगा। अच्छा हाँ, और सुन, अगर मैंने अपने छोटे भाई को बुला लिया ना, थरी खाल उधेड़ देगा और उसका ना तुम बाल भी बंका नहीं करने के। ऐसा इतना खतरनाक है भाई तेरा भाई, जो हमारे दोनों भाई है उसका बाल भी बंका नहीं होने का? पर नहीं वो गंजा, बता उसका बाल बंका किस तरह कर लेगे तुम? वो आलिया ले काट ले बाल बंका। एक भी बदतमीजी अगर तेन करी ना तो ठीक नहीं रहने का, तेरी जलालत
तेरे बदतमीज बने, तेरी शिकायत इतनी आ रही जिसकी कोई हद नहीं। अगर अब के बाद मैंने तेरी कोई शिकायत सुन ली तो बड़े भैया तुम मुझे घर से निकाल दियो। हाँ, अगर अब के तेरी कोई बदतमीजी सुन ली तो तुझे घर से ही काट दूंगा, ठीक है? नहीं क्यों मार रहा? जब नु कह रहा था गलती करने पर घर से काट दूंगा, अब घर से काट आना चाहिए घर। मुझे पुलिस का खबरी लग रहा है, मोबाइल वापिस ही करना पड़ेगा। भाई साहब आपका मोबाइल गिरेगा जी। ओ शुक्रिया। अरे यार छोटे, अरे भाई छोटे, रोज तो सिलापट पे यहाँ बैठ के तू करता क्या है यहाँ पे आके? जब तू अंधा बहरा यहाँ का बैठना जरूरी, किसी ने एक्सीडेंट हो जाएगा रोड पर। ले पकड़ अपना चश्मा, यो भी घर छोड़ कर आ जा, चल घर। देख सुल्तान का लम्डा, तो क्या कर रहा है? यो ना योगा कर रहा है। योगा? अच्छा। हाँ, इसे ना बीड़ी पीने की आदत पड़ गई थी बहुत तकड़ी। अच्छा जी, फिर क्या? इसके बाप ना बाबा रामदेव के पास भेजा इसे योगा की क्लास में। अच्छा, और छूट गई इसकी बीड़ी पीने की आदत। बीड़ी पीने की आदत? अभी हाथों से तो क्या, पैरों से भी बीड़ी पी ले। आजकल तो भाई रिश्तों की बिल्कुल भी अहमियत नहीं रही। हाँ तू सही कह रहा, अब नहीं कोई किसी की इज्जत करता। बच्चे भी बहुत बेपैठ हो रहे। देखियो आ रहा, इसी की बदतमीजी दिखवाओ अब। हाँ देख। ओ बुरा, तू एक बात बता, अगर एक लड़की को तेरे सामने खड़ी कर दे तू उसे बहन बनाओगा या माँ बनाओगा या गर्लफ्रेंड बनाओगा? मैं बनाऊंगा भाई घोड़ी। भाई जी मैं तो बिल्कुल जिंदगी से तबाह लिया बिल्कुल। कभी कभी तो ऐसा जी करो बिल्कुल। कैसा? ऐसा जी करो कि एक गिलास दूध का पी जाओ और सो जाओ। तू परेशान है क्यों? तुझे क्या चाह जिंदगी में यार? मुझे जिंदगी में पैसा चाह, बहुत सारा पैसा। देख पैसे को तो रख दे एक साइड, अब बता तुझे और क्या चाह जिंदगी में? पता मुझे जिंदगी में क्या चाह, जो उन सा तीनों साइड में पैसा रखा। आम के पेड़ पर लगे संतरे, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान, किसी ने संतरे खाकर आम के पेड़ के नीचे पोटी कर दी थी। आंधी तूफान की वजह से नदियों हुई तहस नहस, भारी वर्षा से ट्रेन को बंद करना पड़ा। जब वर्षा इतनी भारी थी ट्रेन नहीं चल पा रही थी तो उसे नीचे नहीं तैर सकते। सर 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 सर, मैंने सारे थीसिस पूरे कर लिए, आप जरा इन्हें चेक कर लो। अभी मैं चेक नहीं कर सकता, घर पे ले आना, वहीं पे चेक कर लो। ठीक है सर, मुझे आपके घर के एड्रेस का तो पता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी लोकेशन बता दो। वो जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है ना, उसके पास में जैसे ही तुम जाओगे, सामने एक सड़ा हुआ जो नाला है जिसमें सुअर लोटनी खाते रहते हैं, उससे आगे जाके पीली बिल्डिंग है और पीली बिल्डिंग के बगल में नीली बिल्डिंग है। नीली बिल्डिंग में ऊपर जाके लेफ्ट में मेरा फ्लैट है, वहाँ जाके तुम्हें डोर बेल बजानी है ऐसे। नू मतलब कोहनी से जी? हाँ भाई कोहनी से ही तो बजाओगे। सर लोकेशन तो सारी समझ में आ गई, लेकिन यो समझ में नहीं आया कि डोर बेल कोहनी से क्यों दबानी। कैसी बात करता है, समझता नहीं है? पहली बार अपने सीनियर के घर आ रहा है, एक हाथ में मिठाई के डब्बे होंगे, दूसरे हाथ में गिफ्ट होंगे, तो डोरबेल तो ऐसे ही बजेगी ना। मैं तो कल को ऑफिस लैब में आके चेक करवा लूंगा जी। भाई तू एक बात बता, पिछले साल कह रहा था? क्या कह रहा था यार? मेरे भाई को दाहिने हाथ में खुजली सी हो रही। तो भाई नु समझ से पैसा मिलने वाला। बे यार इसके बाएं हाथ में भी खुजला सी आओ। तो नु मान के चल, इसे लक्ष्मी मिलने वाली, मतलब इसकी जिंदगी में कोई लौंडी आने वाली। यार इसके बाएं पैर में भी खुजलाहट सी आ रही। तो नुमान का चल, इसके जीवन में यात्रा होने वाली कोई बढ़िया वाली।
इसके पेट पर भी यार खुजलाट से आओ। ओफो भाई, इसे बहुत बढ़िया खाना मिलने वाला है, इसका मतलब भोजन की प्राप्ति होगी सब हॉट टॉप। यार इसकी नाड़ पर भी खुजली से आओ। दूर सबरे, दफा हो जाए खुजली वाले सांड को लेकर, इसका तो खुजली हो रही। अरे दोनों टपोरी लोग इधर आओ और जुओं की दवाई लेके जाओ, स्पेशल दवाई है भाई, एक भी जू नहीं रहेगी। सिर में अगर कम जू हो तो छोटा पैकेट, ज्यादा जू हो तो बड़ा पैकेट। भाई सिर में तो हो नहीं रही जू। जगह बताओ बारखुरदार, कहां पर जू हो रही? डॉक्टर साहब मेरे तो हो रही बगल में जू। तुम भी बताओ बारखुरदार, कहां पे हो रही है? अजी मेरे तो कौन सी जगह जू हो रही है इसको? अभी नहीं, हमारे पास है वहाँ की जू मारने की दवाई। बारखुरदार तुम्हारी जुओं की दवाई तो नहीं है, अब तुम कॉकरोच का पाउडर ले लो। ना जी, हमने कॉकरोच तो इतना प्यार करते, आज हम उनको पाउडर लगा के कल को करीम और परफ्यूम मांगोगे। यो ताज कलेक्शन आ जा भाई। देखिए इस भिखारी को क्या चाहिए, बता क्या चाहिए तेरे को? पीटर इंग्लैंड का या अरमानी का बढ़िया सा सूट दिखा दे, कम से कम 1-1.5 लाख का होना चाहो। देख लूंगा। पकड़िए भाई साहब, अभी देख लूंगा। क्या देख लेगा बे? अजी मैं यूं कह रहा दूसरी दुकान कपड़े देख लूंगा। हाँ जा देख ले जाकर। कौन बनेगा करोड़ पता? तू तो कौन बनेगा करोड़ पति उसमें गाता। तो बहुत जल्दी आ भाई करोड़ पति बन के। खल्ली बे अभी खल्ली बोयो तो खल्ली बाबा, एक तो खल्ली पड़ा, तू तो कौन बनेगा करोड़ पति में आया। अरे अमिताभ बच्चन ने पहले ही 5 करोड़ का सवाल पूछ लिया यार। ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया था? अब मेरे से जो पूछ लिया था, अब तुझे दुनिया में सबसे खतरनाक औरत कौन लग? फिर पता तो मुझे है था, पर मैंने नाम नहीं लिया भाई। शाम को आकर रोटी नहीं खानी थी क्या भाई? शाम को आकर रोटी खाने का क्या मतलब? ऐसा इतनी डेंजर थी का भाई, कौन थी वो? अब मेरी बहू और कौन? आजा भाई। ठीक ठाक भी भाई। हाँ डॉक्टर ने तो तेरी शराब बंद कर दी थी, अब भी पी पा रहा का कहीं? शराब तो मैंने बिल्कुल छोड़ दी, अगर कोई ज्यादा इज्जत करो तो पी लू। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया करा, शराब छोड़ दी तेने। ये भाई साहब कौन है तेरी साथ? यो लमडा शराब पीने की जिद के लिए ही तो रख रखा। सौरो मैं तो रंडवाई मर जाता जब ज्यादा बढ़िया रहता। सबरे उंगली मुंह में देगा, पता नहीं क्या करो जा पूरा दिन। अरे कियो बचपन में ही सबरा 15 किलो का हो गया था, और पता नहीं क्या आसमान की तरफ को देख कर तारे गिनो जा, हर टाइम बादलों में भी तारे देख रहा। इतनी बड़ी बड़ी मूछ तो मेरा आज तक नहीं आई जितनी इन सबरों का भी सही आगी। अबो सही कहवे थी थारी माँ, अगर मैं उसकी बात सुन लेता तो आज ये नौबत नहीं आवती। पिताजी क्या कहती थी माँ? बमेन्ना उसकी बात तो नहीं सुनी, अगर सुन लेता जब ही तो पता लगता। टेलमा टेल तो है नहीं, अगर ये बात सुन लेता तो भाद मना रहा था। हाँ ये भी मेरी गलती है। बाबा बहुत गर्मी हो रही है, पसीना टपक टपक चूड़ा। इतना पसीना जो तुम यहाँ से छुआ रहे, अगर रोज ये खेत में छुआ हो तो 1 बीघा रोज ना भरे। पे यार अब को क्या होगा, हम भी तो सबके साथ ही यार, जो होगा सबके साथ होगा। अब को तो यार मरीज आ गए बिल्कुल, बारिश आने का नाम ही नहीं ले रही। पता कर यार बारिश हो क्यों नहीं रही? मुझे तो यार ऐसा लगो। कैसा? जब यार हर चीज बिकती जा रही तो कहीं मोदी सरकार ने बादल तो नहीं बेच दिए। Yeah.
भाई। भाई किस तरह मर रहा है वो? दिल में से दो बार आवाज आई पट पट और बस पता नहीं धड़म देसी होकर मर गया भाई। चुप हो जा भाई, तू क्यों रो रहा है? बे भाई मैंने इतनी आसान मौत पहली बार सुनी। किस टाइम होगा उसका अंतिम संस्कार? आधा घंटा पहले फोन करा था भाई, हॉस्पिटल से बस लाश को लेकर चल पड़े थे। बे बड़ी लंबी उम्र हो मरने वाले की, अभी तो इसका जिक्र कर देते, एक देर में लेको भी आ लिए। अब जाता हम अपने घर चले जाओ। आज तो तेरा बस सग है। अरे हाँ, और आज भी वैसे जागा तू? देखिए मैं तो अपने बाप को किस तरह भगा दूँ, कैसे कैसे डायलॉग दूंगा। ओ डैडी क्या हाल है? ठीक डैडी, मैं तेरा बहुत ख्याल रखूँ, बहुत पैसे बचवाऊ। हाँ बेटे वो बात है, मुझे पता। याद हो तेन ने क्या कहा था? एक बार दसवीं पास कर ले फिर तू जब उलट दिलवम्मा। हाँ हाँ मेरे याद है बेटे, मैं दिलवम्मा जरूर। बुलेट बालेट कुछ ना दिलवा, मैंने तेरा खर्चा बचवा दिया। खर्चा बचवा दिया क्या मतलब? तेरे पैसे बचाने के मारो ना मैं फैल होगा। अब नहीं मैं तेरा कदी में भला सोचने का, अब तो पास होगा दिखम्मा, एक साल बाद बुलेट लेम्मा। बाजा भाई क्या परेशान सा घूम रहा, क्या बात होगी? भाई देखने में लोग मालदार लोग हूँ लेकिन हाँ बहुत गरीब। तू तो बहुत तरस आ रहा है, ऐसा इतना गरीब तेने किसे देख लिया? वे हमारे पड़ोसी नहीं आएगा? हाँ वे तो चौखे अमीर आदमी। मैं भी उन्हें बहुत अमीर सोचा करू था उनके घर देख को, लेकिन वे अमीर नहीं है बहुत गरीब हो। अच्छा जी, तुझे किस तरह पता लगा मैं गरीब है? अभी अभी मैं उनके घर से ही तो आया, उसके छोटे लमटेनो ने 5 का सिक्का निगल लिया और उसकी माँ ने रो रो को पूरा हाल कर रखा। तो इसका मतलब मैं गरीब हो गए? तू न सोच, अगर वो 5 का सिक्का निगलने से इतनी रो रही, अगर उसका पूस 100 का नोट खा लेता तो उसे तो हार्ट अटैक ही आ जाता। उड़ू ही रहेगा। मेरे दोस्त अब तो लोग गांव गवंडों में भी मेरी दोस्ती की मिसाल देने लगे। ये बात तो है मेरे दोस्त, पर मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछ, अब तो पहले पूछ। अगर मैं और तेरी गर्लफ्रेंड यानी भाभी जी कहीं गारे पानी में डूब रहे हो और तुझे पता लगा और तू वहाँ से पहुँच जा, तो तू सबसे पहले किसे बचाएगा भाई? कोई से को भी नहीं बचाने का, दोनों को डूबन दूंगा। हैं? क्यों? तुम दोनों एक साथ वहाँ कर क्या रहे थे? पूछा ही तो था। मैं तो इस खेत में बैंगन लगा कोई पछता रहा। अरे कछुए, तू तो इस खेत में बैंगन लगा का पछता रहा, मैं तो तेरे से भी हाँ कर का पछता रही। ओ यहाँ लोग लुगाई बैठे, नू तो देख लेता कोई कैसी हालत में। अरे मैं तो ये पूछू था मजदूरी पे चला गया भाई? जाऊ या न जाऊ मजदूरी पे? चला जा कछुए जैसी शक्ल के, घर में 2 पैसे आ जाएंगे। चल भाई चल। सुन ले रे कछुए। हाँ बता। मैंने नु सुना मच्छर काटने से डेंगू की बीमारी चल रही है, अपना ख्याल रखिए। मेरा सारा खून तो तेनो पी लिया, मच्छर का मेरी हड्डी चाप बनागा। अगर तेरे में खून होता तो तू मेरी गोद ना हरी कर देता। हाँ भाई मेरे 4 होनहार बच्चों, तेरा एडमिशन तो मैंने करवा दिया पशु या वन विभाग में, अब तू बता क्या बनना चाह रहा? पिताजी मैं तो आंगनवाड़ी आशा बनना चाह रहा। आंगनवाड़ी आशा, चल तेरा भी होगा। हाँ भाई अब तू बता, है तो तेरी कॉफी बनाने की दुकान, लेकिन अब तुनू बता एडमिशन क्या मैं लेना चाह रहा? अरे पिता मैं तो राजनीति शास्त्र में लेना चाह रहा। सही सही। हाँ भाई अब तेरा नंबर है। जी मेरी तो कुछ समझ से महीने आ रहा, क्या बोलूं? तू अंकों के डॉक्टर और दंतों के डॉक्टर में से कुछ भी बन जा। अजी दंतों का बनू मैं? वैसे तेरी मर्जी की बात है, लेकिन दंतों का ही क्यों बनना चाह रहा तू? अजी आँख तो 2 ही हो लेकिन दांत तो 32 हो, कोई सा ना कोई सा खराब हो जाए आंकड़ों का। अब बेटे तू गया बिल्कुल पड़ोसियों पे। सुबह से शाम होली लेकिन जरा सा भी काम नहीं हुआ। क्या कर रहा भाई? दिख नहीं रहा।
इंटी से पत्थर फोड़ रहा है, टाल पत्थर लगवाने ना उसमें काम आओगा। कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। अब जा खोपड़ी का इस्तेमाल करूंगा। क्या कर रहा? दिखने रहा का गन्ने से लकड़ी काट रहा। पागल आरी से काट ले आरी से। अरे तेरे सिर में पट्टी से क्यों बंध रही? अपनी मैं थरी बात मान लेगा। कल जब मैं पत्थर फोड़ रहा था तुमने नुकाता खोपड़ी का इस्तेमाल कर ले। एक ही बार खोपड़ी मारी पत्थर में, खोपड़ी फूट गई लेकिन पत्थर नहीं फूटा। अब को मेरे हाथ पैर कटवा जाइए। चलो तू अगन गया था चुतड़ धोया। चला जा परे को, मैं भी तो सोच रहा लैटिन की खसबो कहां से आ रही। ओ तू क्या कर रहा यहां से आके बैठ। एक मिनट बरात तो ठीक था तू, जुकाम कैसे होगा तुझे? अरे चाचा तुझे क्या बताऊं, जैसे मेरी आंख खुली मुझे लगा मेरा बहुत तेज पेशाब आ रहा भाई। अच्छा मैं भाग के बाथरूम की तरफ गया और बाथरूम का जैसे ही दरवाजा खुला, फिर मैं नजर दरवाजा खुला चालना चालना भाई पूरा, और ठंडी ठंडी हवा आ रही जैसे मैं शिमला में घूम रहा हूँ। मैं तो चाचा पेशाब करके वहीं बैठा रहा 2 घंटे, और जब मुझे ठंड सी लगन लगी तब मैं उठ के वापस आया, और जब से जुकाम सा महसूस हो रहा। चाचा मार क्यों रहा? आज फिर बेटी चौथ पिसाब फ्रिज में ही करी आया। फ्रिज सबरे नींद नींद में जा रहा पिसाब करने, नहीं पता रहता मूत्र फ्रिज में या बाथरूम में। आयो रिमा। ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। थक गया भाई बिल्कुल। बटंकी क्या है कि यो क्या कर रहा भाई? इस खेत में ना रोग आरार मेरा बहुत खर्चा आ लिया। और पता है इस खेत में जो खड़ा है ना इससे भी ज्यादा मोटे मोटे सुंडी और कीड़े हो रहे। हम का इतना खर्चा करता फिर रहा, हम तुझे फ्री में ना करवाते तेरा यो काम। फ्री में मतलब? बतेरा एक भी रुपए का खर्चा ना आता और तेरे कीड़े और सुंडी सारे मर जाते। अभी तो यार मेरे 2 बीघे का खेत हो रहा रहा, बता दे यार फ्री वाला इलाज। आइए ना भाई। भल्ला? हाँ ले इससे मार सुंडी और कीड़े। इससे नहीं मारने के भाई, इससे नहीं मारने के। रुक जा फिर, बंदूक ला रहा था। टुल्लू जा खेल ले। अंकल जी। हाँ बेटे क्या बात है? अंकल जी मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, पैसे दे दो। अच्छा तेरे माँ बाप नहीं है बेटे? हाँ मेरे माँ बाप दोनों मर गए। इतना प्यारा बच्चा है, आज मेरी ममता जाग गई। ले बेटे परस का परस रख। अंकल जी। हाँ बेटा। 5 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ पैसे दे दो। अच्छा बेटा तेरे मम्मी पापा नहीं कुछ काम करते? मम्मी पापा तो मुझे बचपन में ही छोड़ कर मर गए थे। अच्छा बेटा ले मोबाइल ले जा, इसे बेच के कुछ खाना खा लिए। भाई क्या कर रहा तू? आप इसे जानो? हाँ मैं इसका बाप नहीं हूँ क्या? ये तो यूँ कह रहा था मेरे मम्मी पापा बचपन में ही छोड़ को मर गए थे। इसके ये प्यारे झूठ बोल बोल गए तो मैं करोड़पति बन गया। लगा तो नहीं लगा। अबे सुन तो भाई। हाँ यार एक बात तो बता, तेरे घर में से भाई साहब हर टाइम यार हंसने की आवाज क्यों आती रहती है? कभी तू हंस हो जा, कभी तेरी वाइफ हंस हो जा, कभी तेरे बच्चे हंस हो जा। इस खुशी का राज हमें भी तो बता, क्या राज है भाई साहब? अरे तुम ना पूछो। नहीं भाई जब भाई ने पूछा तो बता ही दे यार। यार हंसने की क्या बात बताओ, असल में बात यो हो मेरी बहू ना मेरा चप्पल फेंक फेंक कर मारो, अगर मेरा चप्पल लग जा तो मेरे बच्चे और मेरी वाइफ हंसो, अगर मेरा चप्पल नहीं लगती तो मैं हंसू, और इस तरह ना कोई सा हंसो ही जा। मेरी खुशी का रात तो चप्पल में ही छिपा लिया। भाई लड़का मेरा दोस्त है भाई, और ये यार गूंगा है और बहुत दिनों से वीडियो बना रहा है यार। इसकी वीडियो को यार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो यार, वायरल कर दो इसको यार। सब्सक्राइब तो भूलिएगा। हाँ सब्सक्राइब। जब मना करी थी वीडियो में बोलना नहीं, गूंगा बनकर रहना, पर क्यों बोलना? आज से छुटपुट काम करना छोड़ दे। मेरे यहां काम करने के 2 रिक्वायरमेंट है, पहला पुलिस से भिड़ने का नहीं, और दूसरा मरने से डरने का नहीं। जो पुलिस की बात करता है वही पुलिस से डरता है।
ये तेरा खास बटन है। ओ भोसड़ी के सलमान खान, मारा खास बटन तो यो, तेने क्यों मार दिया इस जाकत को? हाँ, इसका मार के का मुझे मरना, एक ही डुक्के में मुझे फला देगा। अतेक से को तो कोई भी मार दे। देख, इस गलती की सजा तो मौत ही है, इसे टपका दूं क्या? बॉस, मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगा। तो बॉस, क्या करूं मैं इसका? माइकल, करना क्या है? इसके एक हाथ में सोनाटा और दूसरे हाथ में टाइटन की घड़ी बांध दो। बॉस, इसने हमारी दुनिया में जुर्म करा, हम दिन रात इतनी मेहनत करे, हमें तो आप कुछ देते नहीं, इस अपराध करने पर भी दो घड़ी गिफ्ट कर रहे। और शट अप माइकल, बात को समझने की कोशिश किया करो। इसके एक हाथ में टाइटन और दूसरे हाथ में सोनाटा की घड़ी हम इसलिए बांधना चाहते हैं ताकि ये गद्दार समझ जाए कि ये सिर्फ दो घड़ी का मेहमान है। आज से छुटपुट काम करना छोड़ दे। मेरे यहां काम करने के दो रिक्वायरमेंट है, पहला पुलिस से भिड़ने का नहीं और दूसरा मरने से डरने का नहीं। जो पुलिस की बात करता है वही पुलिस से डरता है। ये तेरा खास बटन है। ओ भोसड़ी के सलमान खान, मारा खास बटन तो यो, तेने क्यों मार दिया इस जाकत को? हाँ, इसका मार के का मुझे मरना, एक ही डुक्के में मुझे फला देगा। अतेक से को तो कोई भी मार दे। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बक क्यों बैठे परेशान सा लग रहा, आजा बैठ, तेरे से कुछ बात करनी। मैंने सोच रहा जिस तरह लोग बाग अपने लम्डों के साथ रहे ना, बाप कम दोस्तों की तरह ज्यादा, तो मैंने सोच रहा मैं भी तेरे साथ नहीं रहूं। बेटे तू मुझे अपना भाई मानिए या दोस्त मान? अच्छा, हाँ अब बता तू परेशान सा क्यों है? यार क्या बताऊं, वो पड़ोस वाली आंटी है नी क्या, उसकी लड़की से मेरी 6 महीने सेटिंग चल रही, आज उसका मिलने का वादा था और धोखा देगी। उसकी बेवफाई के गम में पूछो ना, टेंशन पूरी हो रही। ला यार अगर कोई बीड़ी सिगरेट पड़ी हो तो। लारो लगा को मेरे पर सारी सेटिंग की पोल खुलवा ली, तू बाप कहाँ, तू तो वकील हो। सेक्सा? यस डैड। देखिए वो तो दिक्कत, तेरा दोस्त टीट ला रहा। ओ माय गॉड डैड, मुझे घर जाना बहुत जरूरी। सेक्सा बेटे अपने दोस्त से तो मिलकर जा। डैड वो हमारे घर ही तो जान लग रहा, उसके घर जाने से पहले पहले ना मुझे अपने सारे खिलौने छुपाने। बेटे सेक्सा, हाँ बस तू क्यों डर रहा उसके आने से, वो तेरे खिलौने तोड़ देगा या ठाकर ले जाएगा। अरे वो अपने खिलौने पहचान लेगा। तेरी सबरे, तू भी दिक्कत मेरे की तरह ही चोरी का माल इकट्ठा करे। हेलो गाइज, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिस पर खेलकर आप कमा सकते हैं करोड़ रुपए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रीम इलेवन सर्कल की, जिस पर मैंने कुछ हजार रुपए लगाकर मैं बन गया हूँ करोड़पति। जी हाँ, वो सिटी के साथ साथ नु कोना जुआ खेल को कमाए, क्यों पब्लिक का चूतिया बना रहा। कैमरामैन जल्दी अपना सामान उठा, यानी वो काम चलने का। ठेकेदार दीवार का तो काम लगभग हो गया, अब तू एक काम कर, 1 लाख कट्टे सिमट के 70 टन सरिया तंबेगा, 25 ट्रक रोड़ी के, 40 ट्रक पथरी के, फटाफट भिजवा दे बस मेरा कैलकुलेटर गिरने वाला, कल को मुझे माल चाह रहा बस देना। तेरा पड़ोसी तो ये ढेरी तकड़े मकान बना रहा, अब तो इसका काम रुक जाएगा। काम किस तरह रुक जाएगा, इनने थोड़ा तकड़ा ऑर्डर करा, कल को इसका माल लिया जाएगा। ना ना कल को ये भी खत्म, इसका मकान भी अध बीच में रह जाएगा। क्यों रुक जाएगा इसका काम भाई? मैं मकान तैयार हूं तुम देने का। क्यों भाई? मैं उसका पड़ोसी नहीं होगा, उससे जलना मेरा फर्ज हो, बहुत जलत हो मुझे इसके मकान बनने की। तो तू कर क्या लेगा उसका, जो उसका मकान अध बीच में रह जाएगा। भाई चौकी वाले को ठेका दे यार, और आज रात को चौकी आ गई इसकी नैड कैट को ले जाएगी।
बता बहन चोद क्या गाना बना दिया बदाम बदाम बदाम। यार तू एक बात बता यार ये कच्चे पक्के बादाम हो क्या भाई? पक्के बादाम वे हो जो हम फोड़ के नहीं खाते क्या? अरे कच्चे बादाम भाई। यार कच्चे बादाम का तो मुझे भी नहीं पता यार। बताना चल तुझे बताऊंगा कच्चे बादाम क्या होगा। यहाँ को सीधा खड़ा हो। फोड़ दिए। यही तो थे कच्चे बादाम जो तेरे फूट गए। कच्चे बादाम बताने के लिए फोड़ने जरूरी थोड़ा ही थे, वैसे ही बता देता। आयो रिमा। पता नहीं क्या होगा इस देश का। भगत सिंह भी चले गए, अब्दुल कलाम भी नहीं रहे, और आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। आयो रिमा। ए दादाजी दादाजी ए 5 रुपए दे देना दादाजी, चिकलत पीनी है। पिताजी तुमने इसे पैसे दे दे के इसकी आदत खराब कर रखी, इसे नूबी क्या देख लो पढ़न चला जाकर। ए दे देना। तू पढ़न क्यों नहीं जाता बे? पढ़ाई 2 बजे से होती है, या तो शौक के लिए या डर की वजह से। ए दादू डलता तो मैं आपसे भी नहीं और अपने बाप से भी नहीं, और लाई बात शौक की, पालतू शौक हम पालते नहीं। ए उल बदन हसीना भरी हुई जवानी हुस्न की मलिका, इस नाचीज कानिए फकीर को 5 रुपए दे दे, तेरे हुस्न में बरकत होगी, तेरी जवानी उभर के आएगी, और इस अंधे नाचीज का पेट पलेगा। अरे दे दे मालिक दे 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 चल 5 रुपए। ये तो सच में ये अंदाज अभी तो तुझे हुसन की मलिका बता रहा। आयो रिमा। अपनी हद में रह ले पाकिस्तान, इसे एडवाइज नहीं धमकी समझना, क्योंकि जैसे लड़के तेरे इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते हैं ना, ऐसे लड़के तो हमारे यहाँ गुटका और पान मसाला बेचते हैं। ले लो पान मसाला पान मसाला। मोहल्ले में भाई मैंने बस तुझे ही देखा है ऐसा। हाँ और हिम्मत नहीं है, अगर मेरे घर में मेरे सामने कोई बोल जा जुबान खींच लूंगा, हाथ पैर तोड़ को घेर दूंगा अगर कोई जरा सी भी गुस्ताखी कर जा। अच्छा भाई। हाँ बकिया होगा मैं, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, अपने घर चला जा जल्दी। क्यों क्या बात? तेरी बहू पड़ोसी के साथ भाग गई। उस सौरी को भागने क्या जरूरत थी, मैं पैसे दे देता आराम से चली जाती जिसके साथ जाना था। आयो रिमा। मैं दिखावा नहीं करता श्रीमान, तिरंगा तो मेरे दिल में है, राष्ट्रीय भक्ति की श्रद्धा तो मेरे मन में है। कहने को तो जाने क्या क्या कहते हैं लोग, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि भारत में मैं हूँ या भारत मेरे दिल में है। बोंदू बेटे तेरे रिश्ते वाले हाल लग रहे हैं आज, इतने रिश्ते आ लिया मारे टूटे फूटे घर देख कर यार वापस चले जाओ यार, आज जब व्याह तो इतनी लंबी लंबी फेंकी है जो आज बिल्कुल रिश्ता हो ही जा। ठीक हो फेंकने में तो आज मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। आली 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 चुप हो जा आली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ओ बोंदू जा जल्दी ठंडा वंडा लेकर आ मेहमानों के लिए, बैठो जी बैठो। आज भाई रिश्तेदार बैठ भाई। मौसम तो थारे यहाँ का बढ़िया हो रहा भाई। अरे बापू। हाँ बता बेटे। अरे बापू चाबी दे दे, वो ट्रेन धूम में खड़ी उसे छामा कर दूंगा। ना भाई ज्यादा अमीर आदमी के साथ मारी दाल कहाँ गले जाएगी। देखो ज्यादा फेंक गए। आयो रिमा। अरे भाई साहब भाभी जी कहाँ है? उस बाग में है, उस बाग में। अरे मैं बाग में से ही तो आया हूँ, मुझे तो कहीं भी ना दिखी।
अबे वो पेड़ है ना कोने वाला, उस पेड़ के नीचे है। अरे भाई साहब, मैं उस पेड़ के नीचे से ही तो आया हूँ। वहाँ पे तो बस मुझे मिट्टी का ढेर तो दिखा, और कुछ तो नहीं है। अबे उस पेड़ के नीचे ही है, मिट्टी खोद कर देखिएगा तेन। चला जा जा, अगर ज्यादा 3-5 करेगा ना तो दूसरे पेड़ के नीचे तू दबा मिलेगा। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अगर इनने मुझे दाब दिया तो तुम्हें पता तो चल जाएगा, नोटिफिकेशन तो आ जाएगी वीडियो की। पापा ना पता कैसी कैसी जगह घूमा यार, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, राजस्थान का, जिसमें भी तान तान हो ना सारी जगह घूमा यार। अच्छा भाई, फिर तो भाई उसकी घूमने की सारी ख्वाहिश पूरी होगी होगी। नहीं अभी तो यार नुका रहता, वहाँ भी जम्मा सारे स्थान पर स्थान तो घूम लिया भाई, वो और कहाँ जाएगा, और कहाँ जाएगा, अब तो बस एक ही तान रह रहा भाई, अब वो जाएगा कब्रिस्तान। सब्सक्राइब भी कर लिया भाई चैनल को। आयो रे मां। ओ भाई क्या कर रहे हो ऊपर? नींबू खाना है नींबू। नींबू पेड़ तो अमरूद का, तुम तो अमरूद के पेड़ पे चढ़े हुए दोनों। जब तमन नूबी पता अमरूद का पेड़ा, तो यहाँ से नींबू किस तरह तोड़ कर खा लोगे तुम? चूतिया नींबू तो हम बाजार में से लेके आए थे, बैठ को ही तो खा रहे अमरूद के पेड़े पो। तेरे बेवकूफी रह गए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बेचारे को क्या हो रहा, दोरा सा पड़ रहा है इसे तो यार। अबे दोरा दारा कुछ नहीं, उसे तुझे नई बीमारी का नहीं पता क्या? क्या चली वो नवी बीमारी? ऐसी भी हो बीमारी? हाँ ऐसी तो बीमारी। यो कौन सी बीमारी भाई? अबे यो मंकी पॉक्स है पागल। मंकी पॉक्स? चिकन पॉक्स का तो सुना था, मंकी पॉक्स भी हो कुछ? दिख नहीं रहा बंदर की तरह, वो उछल कूद कर रहा, जब तो मंकी पॉक्स बोला जाए इसको। अच्छा भाई, अगर ये अपनी थोतड़ी जमीन में सूट कर जमीन पड़न लगा तो सुअर पॉक्स बन जाता। आयो रे मां, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आयो रे मां।